subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamualaikum everyone. Hope that all of you are doing well. हमारी असाइनमेंट है वो असाइनमेंट नंबर 1 है HRM 626 की. इसमें हमारे पास जो केस स्टडी दी हुई है सबसे पहले उसको देख लेते हैं. आफ्टर COVID-19 पेंडेमिक एंड फेसिंग इट्स डिवेस्टेटिंग आउटकम्स पाकिस्तान इज नाउ फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ डीलिंग विद फ्लड. द टेरिबल फ्लड आल्सो सेवरली हिट वन ऑफ द नेशनल एसेट्स ऑफ आवर इकोनॉमी दैट इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. फ्लड की वजह से जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई है. इसके अलावा पाकिस्तान में इज द की ऑफ सप्लायर टेक्सटाइल इंटरनेशनल मार्केट फिफ्थ लार्जेस्ट आउट कॉटन प्रोडक्शन इन सच अ सिचुएशन वेयर कॉटन क्रॉप्स आर लार्जली डिस्ट्रॉयड इट इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल यूनिट्स एट दिस टाइम द मोस्ट ब्रांड्स अल्टरनेट न्यू मटेरियल देर इज अ डायर नीड ऑफ क्रिएट. इसमें ओवरऑल COVID-19 और फ्लड के रिलेटेड बताया गया कि इनकी वजह से जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और हमारी मुल्क की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई है. तो यहाँ पर डेक्कन मिल्स इज़ वन ऑफ द लीडिंग टेक्सटाइल मैनुफैक्चरर ऑफ पाकिस्तान. डेक्कन मिल्स एक कंपनी का नेम है जो कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल मैनुफैक्चरिंग करती है. द इकॉनमी इज रैंक अप टू द टॉप 5 कंपनीज अमंग इंटरनेशनली. इट इज़ अमंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट यार्न थ्रेड इन डिफरेंट कंट्रीज विद इन एन एनुअल सेल ऑफ मिलियन $. द कंपनी इज मोर फोकस्ड ऑन द बिल्डिंग देयर कैपेबिलिटी थ्रू देयर वर्कर्स दैट ब्रिंग यूनिक डिजाइन एंड प्रोडक्ट दैट हेल्प्स टू मेंटेन देयर competitive advantages. Deccan Crops continuously did their capability of assessing simultaneously maintain their competitive position in the market. HR department also worked their top management to assess the immediate and near future workforce requirement. It is also important consideration to match the projected supply and demand of the workforce. Okay, इस केस स्टडी में हमें वो ये बताते हैं टीचर के डेक्कन मिल्स एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है पाकिस्तान में, जो कि 5 कंपनीज हैं वर्ल्ड की इंटरनेशनली, उनके में टॉप रैंकिंग है उसकी और ये पाकिस्तान का टॉप लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और इसकी $70 million है. जो कंपनी है वो इस टाइम फोकस कर रही है कि वो अपनी वर्कफोर्स को यूनिक डिज़ाइन और प्रोडक्ट के लिहाज से मेंटेन करे. तो उस हिसाब से उसके लिए वो कंटिन्यूसली डिड देयर कैपेबिलिटी असेसमेंट सीमिनियरली टू मेंटेन देयर कम्पिटिटिव पोजिशन इन द मार्केट. वो अपनी कम्पिटिटिव पोजिशन है वो मेंटेन करने के लिए जो अपनी वर्कफोर्स है, जिनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो लेबर्स हैं, उनको अच्छे तरीके से एवेलुएट करके सिलेक्ट करने में वो फोकस कर रही है. HR डिपार्टमेंट आल्सो वर्क विद देयर टॉप मैनेजमेंट टू असेस द इमीडिएट. जो HR डिपार्टमेंट है वो भी अपनी टॉप मैनेजमेंट के साथ इस चीज़ में अपनी एफर्ट्स कर रहा है कि वो अपनी जो वर्कफोर्स है उसको बेहतर से बेहतर तरीके से लेके आए, अपनी सप्लाई चेन डिमांड और वर्कफोर्स उस हिसाब से वो मैनेज कर सकें. तो यहाँ पर जो हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया है विंग द अबव मैंशनल, ये जो सारी केस स्टडी हमने डिस्कस की है इसके हिसाब से उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है. Consider the HR manager of Deccan. कि आप HR manager है Deccan के with a specific focus of HR planning with the current area and demands. Considering the implementation of action plan. आपने action plan को implement करना है to match the supply and demand of the workforce. What kind of specific resources would be required? At least write 4 relevant resources. वो कहते हैं कि 4 specific resources जो हैं वो आपको required हैं. आपने at least 4 relevant resources जो हैं वो write करने हैं. उसके 4 marks हैं. Each marks for 1 resource. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन वेयर न्यू हायर 60 ऑफर मेड टू एक्चुअल न्यू हायर इज 2:1. द रेशियो ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यू टू ऑफर मेड इज 3:2. कैंडिडेट इनवाइटेड फॉर इंटरव्यूज टू कैंडिडेट इंटरव्यू इज 4:3. एंड HR मैनेजर केम टू नो दैट 8 लीड्स कम टू फ्रॉम ऑल रिक्रूटिंग सोर्सेज विद 8:1. तो यहाँ पे उन्होंने हमें एक रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड ड्रॉ करने के लिए कहा है. अब इन दोनों क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं तो हम वहां पर डिस्कस करेंगे कि इसका सलूशन कैसे रेडी होगा. तो HRM 626 असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन रेडी हो गया है. वो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं. आप उसको यहां से व्यू कर सकते हैं. Considering the implementation action plan to match the supply and demand, resources for developing an action plan. कौन कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे. एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो लगेगी उसके लिए आपको चाहिए. इसी तरीके से आपने नेक्स्ट खुद अब सेलेक्ट करने, जस्ट 4 नेम्स लिखने. अगर मैं नेम सारे शो कर दूंगा तो सबने कॉपी पेस्ट कर लेना और मार्क्स इसी को भी नहीं मिलने. तो यहाँ पे आपने रिसोर्सेज लिखने हैं. रिसोर्सेज वुड बी रिक्वायर्ड. एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आइडिया मैंने हिंट आपको दे दिया कि किस तरह के बाकी हो सकते हैं. तो बाकी 4 भी आपने यहाँ पे मैंने लिखे हैं. किसी स्टूडेंट को अगर सॉल्यूशन फाइल चाहिए हो जी, तो अगर किसी स्टूडेंट को सॉल्यूशन फाइल चाहिए हो तो वो व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट करके इसकी सॉल्यूशन फाइल ले सकता है.
तो यहाँ पे आपने मैंने डिस्कस किए हैं 6 पॉइंट्स, इनमें से यानी 4 आप लोगों ने लिखने हैं, मैं आपको बता दूंगा। बल्कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट वन ऑफ देम, इसी तरह से HRM की जो रिक्रूटमेंट में कौन कौन से और कॉस्ट या कौन कौन से और से रिसोर्सेज यूज होते हैं, वो आपने बाकी 3 और लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा रिक्रूटमेंट यील्ड। रिक्रूटमेंट यील्ड आपने इस तरह से ड्रॉ करनी है, उसमें आपने ये सारी चीज़ें इस तरह से मेंशन करनी है, रेशियोज मेंशन करनी है, जो मेजर चीज़ आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ये रिक्रूटमेंट जो पैरामिड है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। इस तरह से आपने प्रॉपर एक ड्रॉ करना है उसको, न्यू हायर्स, ये उसको सारा डाटा इस तरह से राइटअप करना है इसकी। ये जो आपने कैलकुलेशंस करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इसी चीज़ के आपको मिलने हैं। ये जो आपने पैरामिड के अंदर कैलकुलेशंस लिखनी है, तो इसको कैलकुलेशंस को आपने कैसे करना है उसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कि फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर न्यू हायर्स आर 60, न्यू हायर्स उन्होंने आपको दे दिए हैं कि वो 60 हैं। ऑफर मेड टू एक्चुअल न्यू हायर इज, ऑफर मेड टू एक्चुअल न्यू हायर इज, इन दोनों की रेशियो क्या है? ऑफर मेड टू एक्चुअल न्यू हायर इज 2:1। एक्चुअल न्यू हायर उन्होंने आपको दे दिया 60, तो 2:1 रेशियो दी हुई है। यहाँ से आप ऑफर मेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसको रेशियो की फॉर्म में लिखने से। ऑफर मेड डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 2:1, आपके पास ऑफर मेड का आंसर आ जाएगा। वो ऑफर मेड का आंसर आपने पैरामिड के अंदर यहाँ पर राइट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है द रेशियो ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यू टू ऑफर मेड। ऑफर मेड का आंसर आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, रेशियो ऑफ कैंडिडेट डिवाइडेड बाई ऑफर मेड का जो आंसर निकला है उसको उससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू 3:2। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रेशियो ऑफ कैंडिडेट आपके पास इंटरव्यूड, इसका आंसर आ जाएगा। इसके आंसर को आपने यहाँ पे थर्ड नंबर पे राइट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कैंडिडेट इन्वाइटेड फॉर इंटरव्यूज टू कैंडिडेट इंटरव्यूज, कैंडिडेट इंटरव्यूड, इसका आपने आंसर ऊपर निकाल लिया यहाँ पे। उस आंसर को आपने इस तरह से करना है कैंडिडेट इन्वाइटेड डिवाइडेड बाई ये वाला आंसर इज इक्वल टू 4:3। यहाँ पे आपके पास कैंडिडेट इनवाइटेड का आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वो कहते हैं HR मैनेजर कम टू नाउ 8 लीड्स कम फ्रॉम ऑल रिक्रूटमेंट। 8 लीड्स जो होती हैं उसकी रेशियो हमारे पास क्या होती है? 8:1। इसका आंसर हमारे पास इसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है लीड्स डिवाइडेड बाई कैंडिडेट इन्वाइटेड। कैंडिडेट इन्वाइटेड का जो आंसर आपके पास यहाँ से आया होगा लीड्स डिवाइडेड बाई कैंडिडेट इन्वाइटेड मल्टीज इक्वल टू 8:1। वहां से आपके पास जो आंसर आएगा वो लीड्स का होगा। उस लीड्स के आंसर को आपने पैरामिड के अंदर लास्ट पे राइड कर देना है। तो किसी भी सोल्यूशन को अब किसी भी स्टूडेंट को अब भी अगर इसका सोल्यूशन चाहिए हो तो वो व्हाट्सएप पे मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। इस नंबर पे आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई बात आप डिस्कस करना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।